हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो गाइस आज हम लोग ना वीवो X90 नाइन्टी प्रो का गाइस रिव्यू करने वाले हैं एंड सीरियसली गाइस मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि गाइस वीवो X90 नाइनटी प्रो ना काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स uh, है उसमें लेकिन उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है तो वो जाके ज़रूर से चेकआउट करना गाइज़ क्योंकि तो उसमें मैंने वीवो का बारे में बहुत कुछ बोला है तो वो ज़रूर चेकआउट करना लेकिन इस वीडियो में ना मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ वीवो एक्स नाइन्टी का सो so स्टार्ट करने से पहले गाइस ऑब्वियसली मैडम अभिजीत आप देख रहे हो ऑल्टेक लेट स्टार्ट द वीडियो तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ना वीवो का सॉफ्टवेयर के बारे में ये है फन टच ओएस तो गाइस फन टच ओएस जो ऐसा है ना मतलब आ, मतलब बहुत अच्छा ओएस भी नहीं है और बहुत खराब ओएस भी नहीं है लाइक फन टच ओएस से अच्छा ओएस गाइस आप लोग को ऑक्सीजन ओएस देखने को मिल जाएगा एंड ऑब्वियसली आप लोग को वन यू देखने को तो मिलेगा एंड गूगल का पिक्सल भी बहुत अच्छा है गाइस ठीक है लेकिन गाइस जैसे कि रियल मी है या फिर कलर ओवेस है उससे अच्छा ना मुझे फ्रंट टच लगता है पता नहीं क्यों लेकिन हाँ मतलब उसमें जो लाइक एनिमेशन वगैरह है ना या फिर जो भी लाइक बग्स वगैरह ये बहुत कम देखने को मिलता है कलर ओएस या फिर रियलमी यू के मामले में तो मुझे गाइज टच ओएस ठीक ठीक मतलब ठीक ठाक लगता है गाइज आई में भी यही ओएस तो मिलता है और आई भी बहुत अच्छा तरीके से चलता है और बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्टीमाइज्ड मतलब, भी रहता है गेमिंग के तरफ तो मुझे फंट टच ओएस से कोई शिकायत है नहीं एंड गाइस वीवो एक्स नाइनटी में भी गाइस आप लोगों को एंड्रॉइड थर्टीन तो मिल ही जाता है एंड्रॉइड फोर्टीन भी अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोग को ऑलमोस्ट जनवरी के एंड तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा लेकिन गाइज मुझे फंडा टच भी काफी अच्छे से गाइस ऑप्टिमाइज दिख रहा है एंड ऊपर से जो गाइस हार्डवेयर चीज है ना मतलब लाइक वाइब्रेशन मोटर वगैरह वो भी Vivo ने अच्छे से गाइस यूटिलाइज किया है आ, मुझे सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट और हार्डवेयर दोनों अच्छे से ब्लेंड होते हुए दिख रहा है तो ओवरऑल मुझे फन टच इस काफी अच्छा लगा गाइस Vivo X90 Pro में नेक्स्ट गाइज परफॉर्मेंस तो गैस वीवो X90 Pro का जो परफॉर्मेंस है ना वो भी काफ़ी अच्छा है सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो है गायस फोन हीटअप बिल्कुल नहीं करता एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये इसमें गाइज डिमेंसिटी 9200 मिलता है गैस गाइज ऑब्वियसली एल पी डी डेट फाइव भी मिलता है एंड यू फिर ऑब्वियसली गाइज फोर मिलता ही है लेकिन गाइज मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सही लगा कि ये फोन हीटअप नहीं करता शायद ये डायमेंसिटी चिपसेट की वजह से ये अच्छा से ऑप्टीमाइज भी होता है एंड ओवरऑल गेमिंग छोड़ के ना डिमेंसिटी

स्नैड्रगन एट जन टू भी बहुत अच्छा है ज्यादा करता नहीं है लेकिन डिमेंसिटी नाइनटी टू हंड्रेड जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि गाइस एक तो फ्लैगशिप तो जो स्मार्टफोन स्मार्टफोन्स होते हैं ना उसमें गाइस क्या ही बताऊँ मतलब बैटरी इशूज़ होते हैं या फिर मतलब कैमरा ऊपर से अच्छा डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन गाइस मतलब फोन हीटअप वगैरह करता है लेकिन ये फोन बिल्कुल भी हिटअप नहीं करता गाइस मैं सीरियस बता रहा हूँ एंड मुझे ओवरऑल गेम खेला मैंने ठीक है और कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे नाइनटी ए मिल रहा है वो भी सही है तो ओवरऑल ये फ्लैगशिप चिपसेट है लेकिन ये गेमिंग के लिए नहीं है मतलब ज़्यादा देर तक गेमिंग करोगे ना तो तब फोन हीटअप करेगा या फिर थोड़ा सा गाइस लैक्स स्टार्टअप देखने को मिलेगा एंड तो ओवरऑल हीटअप करे या ना करे तो हाँ लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्पेशली uh, आप कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हो राइट या फिर बैट, बैटरी ऑफ के लिए तो डिमेंसिटी नाइन्टी टू हंड्रेड बहुत सही है लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली आप अगर कोई फोन लेना चाहते हो तो वीवो एक्स नाइन्टी प्रो आपके लिए नहीं है एंड ये डिमेंसिटी नाइनटी टू हंड्रेड भी नहीं है गाइस गो फॉर स्नैप ड्रैगन एट जेन टू और इवन स्नैपड्रैगन एट प्लस जेन वन अब आते गाइस कैमरा स्कोप स्कोपे तो गाइस कैमराज तो आप लोग को पता ही है कि ये जो वीवो X90 सीरीज है ना वो गाइस कैमरा फोकस्ड ही है राइट एंड अगर मैं कहूँ कैमराज इसका कैसा है तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ गैस कैमरा इसका बहुत सही है मतलब लिटरली बहुत सही है गैस एक ही कौन है अगर देखा जाए तो वो है गाइस सेल्फी कैमरा थर्टी टू का मतलब पेपर में तो अच्छा लगता है दिखने में लेकिन गाइस उतना ज़्यादा क्रिस्प जो फोटो है ना उतना अच्छा आता नहीं है गाइस लो लाइट में डिटेलिंग तो एकदम ख़त्म हो जाता है हाँ ठीक इट होगा तो गाइस ठीक ठाक डिटेलिंग लाएगा लेकिन उससे भी का 10 10 मेगापिक्सल उससे, बेटर क्लिक करता है, उससे बेटर रहता है तो ओवरऑल मुझे फोर के से भी नहीं मिलता तो ये मुझे और एक बहुत बड़ा कॉन लगा क्योंकि फोन का प्राइस ऑलमोस्ट एटी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड में अगर ये सब मिलेगा तो गाइस थोड़ा तो है लेकिन हाँ जो मेन कैमरा है टेलीस्कोप सेंसर है वो मुझे अल्ट्रा वाइड भी गाइस तीनों अच्छा लगा लेकिन हाँ जो टेलीस्कोप सेंसर है आ, 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 और जो मेन सेंसर है गाइस ये दो मुझे सबसे बेहतर लगा 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ना गाइस बहुत ही बढ़िया गाइस लिटरली बहुत अच्छा फोटोस क्लिक करता है पोर्टेड मोड भी मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि एडवांस कर दिया बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया तो ओवरऑल मुझे लगता है ना कि हाँ विवो एट सेवेंटी प्रो ना विवो एट सिक्सटी प्रो से काफी अच्छा ह्यूज इंप्रूवमेंट तो नहीं है लेकिन हाँ काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है कैमरा के मामले में ठीक है एंड मुझे जो टेलीस्कोप सेंसर है ना उसका पोर्ट्रेट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा एकदम सिनेमेटिक सा फोटो लाता है एकदम डीएसएल वाला फील दे देता है तो ब्लर मुझे बहुत बढ़िया लगा गाइस तो ओवरऑल गाइस कैमराज में ये कहूँगा कि जो बैक कैमराज है उस, उस पर आप गाइस टेन आउट ऑफ एट टाइम्स रिलाई कर सकते हो कि अच्छा फोटोज़ क्लिक करेगा लेकिन हाँ जो सेल्फी है ना वो थोड़ा सा आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा क्योंकि उसका गाइस थोड़ा सा डिटेलिंग मुझे कम लगा एंड लो लाइट में फोटोज़ गाइस अच्छा नहीं आते सेल्फीज़ में एंड ओवरऑल गाइस मुझे बाकी कोई भी इश्यूज़ नहीं है क्योंकि वीवो एक्स एक काफ़ी अच्छा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है एंड कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है नेक्स्ट आता है गाइस बैटरी एंड वीवो एक्स नाइन्टी में आप लोग को गाइस फोर्टी एट सेवेंटी का बैटरी मिल जाता है जो कि ठीक ठाक सा है लेकिन अगर फाइव थाउजेंड या फिर फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड वाला मिल जाता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता होपफुली कि की विवो एक्स हंड्रेड जो है ऑब्वियसली वो आ भी चुका है एंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड एम बैटरी है तो बिग थम्स अपवो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहा है एंड मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैं वो भी फोन का रिव्यू लाने का बहुत जल्दी ट्राई करूँगा बस इंडिया में आने दो ठीक है एंड ओवरऑल गाइस मैं कहूँगा कि बैटरी इसका ना मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं सिंपली वे में कर देता हूँ एक तो पहले गाइस आप लोग को पहले बता दिया डिमेंसिटी नाइनटी टू हंड्रेड का वैसे है ना बैटरी अच्छा से ऑप्टीमाइज है एंड फ़ोन हीटअप नहीं करता एंड जब फ़ोन हीटअप नहीं करता तो फोन ज़्यादा जल्दी ड्रेन भी नहीं करता राइट एंड फोर्टी एट सेवेंटी गाइज ठीक ठाक सा है लेकिन गाइस इसका जो मतलब ओवरऑल गाइस इसका जो वर्क वर्क प्रोसेस है ना, तो उसके वजह से ऊपर से जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन वगैरह है डिस्प्ले बहुत बड़ा भी है तो इसके लिए गाइस थोड़ा बहुत बैटरी तो ज्यादा खत्म होता है जल्दी ठीक है तो ओवरऑल मैं यही कहता हूं कि अगर फाइव थाउजेंड एमएच या फिर टू हंड्रेड एमएच होता तो और ज्यादा तो अच्छा रहता लेकिन हाँ ओवरऑल गाइस घंटे छः घंटे पंद्रह मिनट साढ़े छह घंटे अगर ठीक ठाक से मीडिया मीडियो, मीडियो का यूजेज है तो गाइस साढ़े छह घंटे तक दे देगा लेकिन हाँ ओवरऑल मैं कहूँगा कि बैटरी मीडियो कर एकदम बहुत ही अच्छा नहीं है या फिर बहुत ही ख़राब भी नहीं है बस ठीक ठाक सा है अगर आप मीडियो कर यूज हो तो आपका काम चला देगा लेकिन हाई यूज़ेज हो तो गाइज शाम को आते थे आपको बैटरी चार्ज पर लगाना पड़ेगा थैंक्स वॉचिंग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना चैनल जैसे सब्सक्राइब कर देना एंड मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा जिसकी आपको प्रॉमिस क्या हूँ एंड मैं कंटिन्यूअस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो आते रहे राइट right, एंड अच्छा वाला कॉन्टेंट आते रहे सो स्टे डेउन स्टे हेल्दी एंड गुड बाय एंड बहुत ज़्यादा ठंडेगा इस तो स्टे हेल्दी गुड बाय